नमो अर्हंतालम नमो सिद्धालम नमो वारियालम नमो वज्रायालम नमो लोई सवसाहुरम शुद्धात्मान मने कांतम साधुत्तम मंगलम मंदी संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुन्न कुन्दाधि वगैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम ये झाया ध्यान गही कम कलंक ढहे नित्य निरंजन मर्थ्य परम प्रणमे नम समय साराय स्वान हो गया चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्व भावाय अनुसरण अनुचरण लगभग एक से ही शब्द हैं। अनुसरण का अर्थ क्या समझना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा की शरण ली है जैसे ही हम अपनी आत्मा की शरण लेवे, का नाम है अनुसरण है। अनुकरण भी ऐसे ही होता है, अर्थात जैसा उन्होंने अपनी आत्मा को समझा है वैसा अपने आत्मा को समझें, अनुभव करें, माने। अब जैसा और तैसा ये तो सर्वनाम हो गए। उन्होंने अपने आत्मा को अनादि निधन समझा और हम अपने को जन्म मरण वाला समझते रहे तो बताओ कैसे काम चलेंगे। उन्होंने अपनी आत्मा को देह कर्म रागादिक भावों से न्यारा ज्ञानमयी आनंदमयी समझा और हम अपने को देह रूप समझते रहे बताओ कैसे काम चलेगा। धिकार है इस प्रवृत्ति को। मैं 22 पांच प्रकार की अवक्षों में एक अनिष्टकारक अवक्ष भी लिखा है, जो हमें हानिकारक लगता है वो अवक्ष लिखा है भगवान ने। वो नुकसान करता है और खाते सोचो समझो विचार करो, विचार तो करो भाई। भीतर की बातें तो बहुत सूक्ष्म है, ऊपर की बातें समझ में नहीं आती। मैंने इतनी इंद्रियों की आसक्ति हो गई, गुनामी हो गई, वो अच्छा नहीं लगता। अब फिर बीमार पड़े रहो, चार जने सेवा करते रहे, धर्म ज्ञान छूटे, पूजा भक्ति छूटे, सो अच्छा लगता है। अरे जब हम जानते हैं ये चीज हानिकारक है तो अपनी प्रवृत्ति को बदले बिना भगवान भी हमारा दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। क्यों? भगवान वितरागी है, सर्वज्ञ है और अकर्ता है। हमारे परिणाम को जबरन चाहे जो कर दे, उसका नाम भगवान जैन शासन में थोड़ी लिखा है। अब तुम बता दो भाई, नहीं मानो तो हम क्या करें? विचार तो करो। जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे छोड़ो तो ही स्वास्थ्य ठीक होगा। ऐसे ही जो तुम्हारे लिए दुख का कारण है उसे छोड़ोगे तो तुम्हारा दुख दूर होगा। अभिमान छोड़ो नहीं, स्वार्थ छोड़ो नहीं, मायाचारी छोड़ो नहीं, लोभ छोड़ो नहीं, अब तो तुम बता रहे तो दुखी हो गए। हम बता तो रहे ये परिणाम दुख के कारण है, दुखी हो गए। अनुसरण अनुकरण अनुचरण एक ही से शब्द है, अभिप्राय एक ही है सबका। जैसा उन्होंने अपने आत्मा को माना, कैसा माना? देह से न्यारा माना। अब दुख तुम्हें सुखी होना हो तो तुम देह से न्यारा मानो क्या? नहीं, चार अंगुल की जवान तागे बीच है बर्बाद है। हाथ में रखो तो स्वाद नहीं, पेट में गया तो स्वाद नहीं है। खांसी हो रही, टमाटर खा रहे, दही खा रहे, दर्द हो रहा ये खा रहे, चावल खा रहे, अब बता। त्याग कर दो ना उतने दिन के लिए, त्याग बिना परिणाम नहीं रुकते, प्रतिज्ञा बिना परिणाम नहीं रुकते, तो त्याग कर दो। अब वो दवाई क्या करेगी? दवाई दवाई बता दो। कुपथ से बीमार हो, दवाई से ठीक हो, कैसे करेगी बताओ? तुम अपनी लापरवाही से बीमार हो और वैद्य डॉक्टर ठीक करे? अपने मोह से दुखी हो और भगवान दुख दूर करे, बताओ कैसे करेगी? ये विधि नहीं है भाई। भगवान ने तो कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा अगर तुम अपना भला करने के लिए कमर नहीं कसोगे। खाओ तुम और छोड़ाए हम, तो भैया जी गुटका छोड़ दो,
अब तुम चुप रह जाओ, नहीं कहो और नहीं छोड़ो तो हम क्या करें बताओ? और क्या जिनवाणी करे, क्या भगवान कहें, क्या गुरु करें, कौन डॉक्टर करे, क्या करेगा बताओ? कौन क्या करेगा? भगवान ने जैसा माना है, जैसे न्यारा माना, इंद्रियों से न्यारा माना, अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद में माना है भगवान ने। अब तुम्हें इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में की लालसा में पड़े रहो तो इसके लिए क्या करे भगवान? समझ में आया कि नहीं आया? अब भगवान ने देह से न्यारा माना, तुम आज भी अपने को देह मानते रहो, देह देह। अब बुखार आ गया, अब जी आ गया, अब वो आ गया है, अब जी आ गया, अब जी हो गया, क्यों आ गया, कैसे हो गया, उसके कारण को करणानी योग के अनुसार है उद्यम करो, करणानी योग का विचार करके क्षमता रखो। उद्यमेन कार्याणि सिद्धन्ति न मनोरथे। हाँ, हमें तो कल्याण करना है, बातों से कल्याण थोड़ी होता है। चलो चलो आगे क्या कहोगे बोलो। भगवान ने अपने को अपना सुख अपने में देखा है, तुम अपना सुख पर में देखो तो क्या होगा बता? भगवान ने अपना सुख अपने में देखा, भगवान अपने में रमे, तुम विकथा में रम रहे हो, व्यसनों में रम रहे, विषयों में रम रहे, प्रमाद में पड़े। बोलो, भगवान ने प्रमाद छोड़ा, तुम प्रमाद में पड़े। कौन सुखी करेगा? बहुमूल्य जगत का वैभव भी नहीं तुमको सुखी बना सकता। जो सिद्धांत पढ़ते हैं उन सिद्धांतों का प्रयोग चाहिए, जैसे औषधि का सेवन चाहिए, केवल औषधि का ज्ञान नहीं, तवेरी मोक्ष अधिकार का स्वाद आता रहता है। बंद चिंता से मुक्त थोड़ी मिलती है, बंद की चिंता करने से बंद का अभाव थोड़ी होता है, बंद के ज्ञान मात्र से बंद का अभाव थोड़ी होता है, जानकारी मात्र से, उपाय करने से बंद से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का अनुभव करे, बंद से विरक्त हो तो बंद का अभाव होता है। अरे जो घोर परिचय सहन करने की बातें, उनकी बातें तो बहुत दूर हैं। हम जी कहते जरा सी इंद्रियों को नहीं जीत पाते हम, सोचो समझो विचार करो। भगवान ने जो त्यागा है उसका त्याग करना ये उनका अनुकरण है। भगवान ने मोह छोड़ा है, भगवान ने राग छोड़ा है, भगवान ने द्वेष छोड़ा है, और तुम व्याख्या करो अपनी जो अकेले में बैठ करके। भगवान ने क्रोध छोड़ा है और तुम क्रोध करो, भगवान ने अभिमान छोड़ा है, तुम अपने मान करो अभिमान करो, तो जाने कितना दिमाग चलता है, कितना दिमाग चलता है, उल्टा उल्टा पूरा उल्टा चलता है 100%। जो सामने आया उल्टी बात दिमाग ही नहीं काम देता, कि सुनना पड़ना सब एक और है और वो एक। जिस कार्य को करते हैं उस कार्य की जिम्मेदारी नहीं, जिस कार्य को करते हैं उससे भेद ज्ञान नहीं, निराभिमानता नहीं, ना निश्चय ना व्यवहार, कुछ खबर ही नहीं, उल्टा दिमाग चलेगा। उल्टा दिमाग मत चला भाई। भगवान ने मोह छोड़ा है, क्रोध छोड़ा है, मन छोड़ा है, माया छोड़ी है, लोभ छोड़ा है, हास्य छोड़ा है, रति छोड़ी है, अरति छोड़ी है, भय छोड़ा है, जुगुप्सा छोड़ी है, हैं, और वेद काम आदि भाग छोड़े हैं। अब तुम भयभीत रहो, डर लगता है, डर लगता है, जिंदगी भर डर लगता है, जिंदगी भर डर लगता है। अब बताओ जिंदगी भर डर लगता है तो जिंदगी भर नहीं सीख पाए? जिस कार्य की जो विधि है उसी कार्य से वह विधि कार्य संपन्न, उस विधि से ही वह कार्य संपन्न होता है, दूसरी विधि नहीं है, न लौकिक में न पारलौकिक। पानी में तैरे बिना, वो पानी में घुसे बिना तैरना कोई नहीं सीख सकता, नहीं सीख पाए। हम चाहे किताब में पढ़ते रहे, नक्शा बनाते रहे, इतने फुट हाथ बढ़ाना, ऐसे
ऐसे देखते रहे वो कैसे तिरता है, नहीं देख पाओ, सीख नहीं पाओ। उपाय क्या है? भगवान ने जो छोड़ा है उसे छोड़ना चाहिए। अच्छा भगवान हो गए वे, और भगवान कैसे हुए ये समझो ना। भगवान अपन जैसे संसारी थे, संसारी से मुक्त हुए हैं, संसार का अभाव करके मुक्त हुए हैं, तो कैसे हुए हैं? पूर्व भवों को स्मरण करो, सबसे पहले ज्ञान किया होगा, ज्ञानाभ्यास किया होगा, गुरुजनों की संगति करी होगी, आज्ञा मानी होगी, विनय की होगी। तुमसे कल कोई कुछ नहीं कहे, सवेरे कुछ नहीं कहे, और समझे भोजन के टाइम चलो बताओ, ये कोई विधि है? ये कोई विधि है? और यही विधि हम पकड़े बैठे रहे बस जिंदगी भर, पात्रदान कब कर पाएंगे? अपन चुप रहे और सामने वाला चुप हो जाए तो गुस्सा हो गए, बताओ ये कोई विधि तो नहीं है? माने एक भी परसेंट देखो, एक भी जगह कहीं सही व्यवहार नहीं है। तुम चुप रह जाओ हम कहें तो, और हम चुप रह जाए तो बस गुस्सा हो गए। आप देखो मतलब क्या होगा मालूम है? ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ कल होगा तो तुम परेशान हो गए। विचार करो, एक जैन दर्शन की बात लिखी है, लोक व्यवहार की, जैसा व्यवहार दूसरों के साथ चाहते हो, दूसरों के द्वारा अपने साथ चाहते हो वैसा व्यवहार करो। जहाँ निवेदन करना हुआ निवेदन करो, जहाँ पूछना है वहां पूछो, जहाँ समय जहाँ धन्यवाद देना हुआ धन्यवाद दे, जहाँ मैंने योग्य व्यवहार होना चाहिए ना, बस होना चाहिए, सिखा दोगे दूसरों को, वो करोगे नहीं। दोष स्वीकार करना हो दोष स्वीकार करो, सुधार करना है तो पहले समझो कहाँ सुधार करना, क्या सुधार करना, किसका सुधार करना, कुछ पता नहीं, बस सुधार कर लेंगे। क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। अनुकरण करना, अनुकरण अनुकरण माने हो क्या? अनुकरण करो, कैसे अनुकरण करेंगे? जिन मार्ग में दो मार्ग रखे कि निश्चय एक व्यवहार, दो प्रकार के निरूपण है। अब व्यवहार मार्ग के बिना परमार्थ को प्राप्त करना चाहे तो नहीं होगा, और परमार्थ के लक्ष्य के बिना व्यवहार को ही परमार्थ मान ले तो परमार्थ। शरीर में दिमाग पूरा का पूरा चलता है, पूरा दिमाग चलता है, उसका फल एक दिन ऐसे देखा था, और आत्मा के परिणाम में हमारा दिमाग नहीं चलता, हमारे परिणाम कहाँ चल रहे, कितने चढ़े कितने हटे, कितने चढ़े कितने हटे, कुछ खबर नहीं। अनुकूलताएं बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और प्रतिकूलताओं में रोना रोना रोना। प्रतिकूलताएं दूसरा दे रहा है और अनुकूलताएं अपने आप मिल रही। नहीं भाई, अनुकूलताएं भी हमारे कर्म का फल है, प्रतिकूलताएं भी हमारे कर्म का फल है। अनुकूलताएं रोने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, और प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं फंसने के लिए, उलझने के लिए, लापरवाह होने के लिए नहीं है, और प्रतिकूलताएं भी रोने के लिए नहीं। सीखो समझो भाई, भगवान ने कैसे समझा है? आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, नए प्रेम और फिर स्वानुभव से समझा। वर्तमान पर्याय में तीर्थंकरों को देखें तो स्वयंभू होते हैं, उनका कोई दूसरा गुरु नहीं होता, लेकिन पूर्व भवों को देखो ना, पूर्व भवों को भी तो देखो। शुरुआत तो कहीं ना कहीं किसी गुरु से ही हुई होगी। विचार करो, अपने आप कार्य होता है, लेकिन कोई भी कार्य अपने आप कौन सा होता है जिसमें निमित्त नहीं होता हो, बता। और निमित्त से कार्य कौन सा हो जाता है? और निमित्त कौन एक प्रकार के होते हैं? प्रयोग पद्धति हमारी सही नहीं है, प्रयोग पद्धति हमारी सही आना चाहिए। कर्म के उदय का विचार करें, चाहे भवितव्य का विचार करें, तो ये बताओ दूसरे का दोष कहां दिखाई देगा? कहां दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, क्या होगा?
भगवान अपनी ओर देख देख करके सुखी हुए, हम पर की ओर देख देख करके सुखी होना चाहते हैं, कैसे संभव होगा? बोलो कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल प्रमाणिक रूप से प्रमाण में आकर के अपनी ओर देखो, स्वभाव की ओर भी अपनी ओर देखो, अपना स्वभाव है। वर्तमान में दुख है तो अभी दुख का कारण अपने में देखो, दोष भी अपना देखो। जैसे दूसरे का दोष अपने लिए दुख का कारण नहीं है, इसलिए दूसरे के गुण भी हमारे लिए सुख का कारण नहीं है। ये बहुत विनयवान है, तो उस विनयवान का फल उसको मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे अभिमान का फल मिलेगा। ये बहुत आलसी है तो आलस्य का फल उसे मिलेगा, तो ये बहुत पुरुषार्थी तो उसके पुरुषार्थ का फल भी उसको ही मिलेगा। बिल्कुल समझ जाओ, प्रमाण से बाहर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। प्रमाण माने द्रव्य गुण पर्याय तक, बस यहां तक रहो। तुम्हारी पर्याय में दोष है, दुख है, तो उसका कारण तुम्हारी पर्याय में ही होना चाहिए। जुकाम हो गया और मौसम को दोष दे रहे, मौसम खराब है, मौसम खराब है तो सबको होना चाहिए ना। पेट खराब है ये नहीं है, हमारी वृत्ति खराब है, उल्टी चीजें खान पीन कर रहे हैं, कुपथ सेवन कर रहे, वो सोचेंगे ही नहीं मौसम खराब है। हमें जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, जो हमें नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं। ध्यान रखना, ज्यादा कमाना और ज्यादा खाना हानिकारक है ना। अब हम दूसरी बात बोल रहे, कमाने की बात है, लोगों को और को समझते हो, ज्यादा खाना और ज्यादा सोचना एक ही बात। ज्यादा खाओगे तो पेट भारी होगा और ज्यादा सोचोगे तो माथा भारी होगा, नियम की बात है। ज्यादा खाओगे तो पेट भारी होगा और ज्यादा सोचोगे माथा भारी होगा। कम सोचो, सही सोचो, है ना। अल्पाहारी बनो और युक्ताहारी बनो, माने थोड़ा भोजन करो और सही भोजन करो, जो भोजन हमारे संयम के लिए है, अनुकूल है, स्वास्थ्य के अनुकूल है। यदि स्वास्थ्य और संयम के विरुद्ध भोजन हम करते हैं तो समझ लेना चाहिए रसना इंद्रिय की आसक्ति है हमारी, बिल्कुल पक्की, इसमें बिल्कुल कच्ची बात नहीं, तीव्रता है। कषाय की मंदता में विरुद्ध काम नहीं हो सकता। संवर तत्व की भूल में लिखा है समिति के प्रसंग में, मुनि राजों को किंचित रागाधिक होने से गमनाधिक क्रियाएं होती हैं, इसलिए दूसरे जीवों को पीड़ित करके गमनाधिक क्रियाएं नहीं करते, तब स्वयं में दया पलती है। इतना गोलमोल मतलब हम चिंतन करते हैं, इतना शॉर्टकट निकालते हैं, जैसे पूछे आपका घर कहाँ है, कि तो विश्व में, तो विश्व में तो हो ही कोई, आपका करें ऐसे कैसे पहचाने। बात झूठी नहीं है, लेकिन बस भगवान ने परिग्रह छोड़ा है, बस परिग्रह, बस खत्म हो गई बात। ऐसी हो गई जैसे हमारे ऊपर कोई वजन ही नहीं पड़ा, कहीं हमें कोई पहचान ही नहीं छोड़ी। भगवान ने मोह छोड़ा है, बस मोह खत्म। क्या मोह है और क्या छोड़ा है, कोई मैंने कोई चिंता नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं। दूसरों को समझाने में लग गया फटाफट, देखो भगवान, देखो क्या कहती आज प्रवचन। बिल्कुल अकेले में बैठ करके प्रवचन दोहराना चाहिए। टूटर मस्जिद लिखा है, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। कब तक? जब तक जैसा कहा है वैसा भाषित न हो जाए। बात तो सही है, आपको एक बात कही थी, देखो मजदूर मेहनत ज्यादा करता है, मजदूरी कम मिलती है। शारीरिक मेहनत करता है बहुत, मजदूरी कम मिलती है। और वही मेहनत अगर प्लानिंग से की जाए तो मेहनत कम होगी और मजदूरी ज्यादा होगी, फल कम आएगा और मेहनत ज्यादा होगी, अगर बिना प्लानिंग के करोगे। और प्लानिंग से करोगे मेहनत कम होगी और फल अधिक मिलेगा। चार बातों के लिए जिंदगी खोगे तो जिंदगी में चार बातें भी नहीं सीख पाओगे, और आज एक बात पर एक एक दिन में एक बात समझ करके कर लोगे तो दूसरे दिन दो, चार दिन में चार बातें खत्म, पांचवें दिन पांचवी बात सुन।
और नहीं तो वे ही चार बातें होती रहेंगी और चार बातों में वो ही अपनी जीवन चला जाए। एक को पकड़ो ना, एक बात आज आ बनाना सीखो बस, केवल पूरी वर्णमाला मत सीखो, आ बनाना सीखो। आग जिंदगी में कभी टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा सीधा न बन पाए। अरे 26 दिन में 26 अक्षर आ जाएंगे, अंग्रेजी के 52 अक्षर से हिंदी संस्कृत के तो 52 दिन में तो आ जाएंगे, और नहीं तो 52 क्या 52 वर्ष में भी नहीं आएंगे। कही थी एक बार, सबसे बड़ा अपराध है कि हम उपेक्षा भाव से सुनते हैं, परलक्ष्य से सुनते हैं, उपेक्षा भाव से परलक्ष्य से दूसरों को समझाने के लिए केवल। और आगे अधूरे मन से जो काम करेंगे, बिना रुचि के काम करेंगे, बिना हित समझे, बिना अपना लाभ विचारे हुए काम करेंगे, तो वो काम में कभी सफल होंगे ही नहीं। एकाग्रता और पूरी समर्पण चाहिए किसी भी लौकिक कार्य के लिए भी, परमार्थ कार्य में भी एकाग्रता और समर्पण। भाई रोटी बनाएगी और इधर उधर उसका उपयोग होगा, रोटी जलेगी खराब बनेगी, बनेगी निश्चित होगा। उपयोग कहीं हो, कार्य कहीं हो, यही तो भूल लिखी है व्यवहारवासी हूं, बताओ कहां लिखी। हाँ भक्ति करता है तो मैं किसकी भक्ति करता हूं, कौन भक्ति करता है, किस प्रयोजन से भक्ति करता है, कुछ खबर नहीं। मुंह से बोलता है, दृष्टि कहीं है, श्रद्धा में और अभिप्राय में, भीतर में वासना कुछ और है, मनोकामना भीतर पड़ी है, अंतर में दैन्य भाव बढ़ता है, अभिमान भाव बढ़ता है, भक्ति कहां से होगी। ये व्यवहार नहीं है, ये व्यवहाराभास। अब आप समझे और भक्ति ही नहीं करते तो व्यवहाराभास भी नहीं। और इस प्रकार से भक्ति ऊपर से जैसे वैसे ही भक्ति करते हैं जैसे ज्ञानी भक्ति करते हैं ऊपर से, तो वो व्यवहाराभास है। ये सोने नकली सोना भी नहीं है, सोने जैसा दिखे तब तो इसमें पॉलिश कर दें तो दूसरे लगे सोना जैसा, तब तो इसको कहें नकली। नकली किसे कहते हैं, ऊपर से वैसा ही हो भीतर नहीं हो, तभी तो नकली है। अब सुनो, ये नकली सोना है जी, कैसे नकली सोना है, ये व्यवहाराभास है। अरे ये कैसा व्यवहार, व्यवहाराभास माने व्यवहार जैसा दिखाई दे परंतु व्यवहार नहीं हो। जहाँ विनय होना चाहिए वहां विनय, जहाँ सेवा होना चाहिए वहां सेवा, जहाँ सत्कार, जहाँ क्या नाम स्वाध्याय होना चाहिए स्वाध्याय, माने एक जैसा दिखाई दे वैसा ही। आगम के अनुकूल हो तब तो वो व्यवहार है, आगम के अनुकूल भी नहीं हो तो व्यवहार कैसा। पश्चात क्रांत हुए हैं, पक्ष का ग्रहण नहीं किया है भगवान ने, उन्होंने अपनी आत्मा को अमूर्तिक देखा है। हम कहते हैं एक दाग अगर जरा सा हो तो उसे मिटाने बुरा लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। कपड़े मैले हो जाए जरा से बुरा लगता है, शरीर में जरा परेशान बुरा लगता है, और परिणामों में की कोई बुरा ही नहीं लगता स्वयं को। आश्रम बुरे तो लगे कम से कम, बुरे लगे तब छोड़ने का उद्यम हो, जब तक बुरे ही नहीं लगेंगे छोड़ने का उद्यम ही कैसे होगा। हमें ये प्रवृत्ति हमारी हमारे लिए हानिकारक ही नहीं लगती है, उलझती है केवल दूसरों में और किसमें, जो हमें मनमानी नहीं करने देती, बस ये है। विचार करो भाई, मनमानी नहीं कर, मनमानी करने में हित है क्या, राग की पूर्ति में हित है क्या। अपना राग भी बाछल लगे और दूसरे का बाछल भी राग लगे, अब बताओ क्या करोगे, कैसे मिटेगा। अपना राग बाछल लगता है, ये हमारा बाछल है, और दूसरे का बाछल वो राग लगता है, ये राग हो तुम्हें राग बहुत है। बाछल के नाम पर राग का पोषण करना ये छल ग्रह है, बाछल के नाम पर राग का पोषण करना ये छल है। बाछल तो ये है दोष छोड़ो और दोष छुड़ा। आपको कहा था ना अच्छा अच्छा खिलाना पिलाना ध्यान रखना सुविधाएं देना, ये बांका बाछल्य नहीं है। ताड़ना करके दोष छुड़ाना, उसे अपने पैरों खड़े करना, ये बाछल्य है। हैं इन्हें इनसे प्रेम है सो उसको चुपचाप ऐसे कर दिया, उसको वैसा कर दिया, बस ये बाछल्य हो गया।
इस तरह से विघटन होते हैं, अनुशासनहीनता होती है, पाप बंद होता है। बात चल तो ये है भैया, ये तुम्हारी प्रवृत्ति ठीक नहीं। जिसको जिससे प्रेम हो और वो उसे कहे तो अच्छा लगे, और जिसको जिससे प्रेम है वो उसे कुछ नहीं कहेगा और बस दूसरा कहे तो उसको बुरा लगता है, सुधार भी नहीं होता, काम बिगड़ता। टटोलो भाई, खूब खिला पिला और मोटा भी न हो। कोई पढ़ा है तुमने श्रेणी चरित्र में? खूब खिलाया पिलाया और शेर के सामने बांध दिया, बस खत्म मामला। मैंने खूब खा पिया और तो अभी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कुपत कर लिया, थोड़ा सा उल्टा सोच लिया। अरे इनका प्रयोग करो भाई, प्रयोग करो। कितनी बातें कह चुके हो, कापियां देखो तब पता पड़े। दूसरों का उदय विचार करके समता रखो, उसका उदय है। अपना दोष देखो, अब हम अपना तो जब दोष होता था वो उसको उदय कह करके पक्ष करते, क्या करें हमारा पाप का उदय। हम के सच कहते हैं, एक आध कभी मिल गया हो तो मिल गया हो, नहीं तो अपने संबंध में तो ये हमारा अपराध है, महा अपराध है, भूल है, दोष है। इतना सरलता से कहने वाला भी नहीं मिला, दूर करने वाली की बात तो बहुत दूर है। क्या करें हमारे पाप का उदय, बस जब हमारी कछु नहीं चली छोड़ी, हमने पाप का उदय लगा दी, क्या करें हमारे पाप का उदय, और हम बस छोड़ देंगे। या तो नहीं बोलेंगे या विपरीत बोलेंगे, संतुलित नहीं बोलेंगे, या तो नहीं करेंगे या मनमानी करेंगे, ये नहीं है व्यवस्थित करें। नहीं करें से काम नहीं चलेगा और उल्टा करने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्थित करने से काम चलेगा। नहीं आना करते नहीं आएंगे, लेकिन टाइम पर नहीं आएंगे, सीधे नहीं बैठेंगे, उपयोग नहीं लगाएंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं वहां से। भगवान का अनुकरण, अरे रे प्रभु, कहां से अनुकरण करोगे। यहां हम खड़े हैं, वहां भगवान भी खड़े थे, अब अनुकरण करो, वे कैसे आगे निकले, हम कैसे आगे रहे। अब तुम वहां का अनुकरण करो, वे अपने में मगन है, तुम अपने में मगन हो गए, नहीं हो पाओगे। उतनी घाटियां पार करनी पड़ेंगी आपको, उतनी सीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी। हम बच्चों से कई बार कहते, बेटा हमारी नकल मत करो, हमने तुम्हारी उम्र पर क्या किया था वो नकल करो तब बनेगी बात। अब हमारा शरीर कमजोर है, हम लेटे भी रहेंगे, बैठे भी रहेंगे, चिंतन करेंगे। अब तुम भी तो पंडित जी तो लेटे, तो पंडित जी बूढ़े हो गए, तुम्हारी उम्र पर ऐसे नहीं लेटे, विचार तो करो। भगवान का अनुकरण कहां से करना है, जहां हम खड़े हैं वहां भगवान कह रहे थे, अब उन्होंने वहां से क्या किया बोलो। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे क्षेमंकर मुनि बंदे, मुनिराज तो मिल गए कर्म संयोग, कर्म के योग से। अब बंदे थोड़ी तुम्हें करना पड़ेगी, संयोग मिला देगा पुण्य का उदय, आपने कहा था ना, संयोग मिलेगा पुण्य के उदय से, लेकिन कार्य तो आपको करना होगा। ये थोड़ी है कि पुण्य के उदय से पुण्य तुम्हारा काम भी कर देगा, कर्म भी। आत्मविश्वास लिखा है सब जगह, पराया विश्वास थोड़े, संयोगों का विश्वास करो, तुम तो हमारा विश्वास करो, तुम क्या कर लोगे। हमारे पास पैसा है, विश्वास करो, ये अध्रुव बिना थी, परिस्थितियां और परिणतियां सब क्षणिक हैं, कोई इनका भरोसा नहीं करना। कैसे चले भगवान, कैसे चले बोलो। पहले उन्होंने सम्यक तो किया, गुरु ने दर्शाया तो उसे प्रमाण किया, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, ये अनुकरण है। बिना समझे ठीक है हाँ। देखो गहराई में नहीं उतरे तो मोती तो नहीं मिलेंगे, रतन नहीं मिलेंगे, कौड़ी संख ऐसे ही जो भी शब्द आता है, जो भी कथन आता है उसकी गहराई में जाओ। हमें तो नियम सार जी का वो कथन बार बार याद आता है, इन वेदों को जानकर जो चैतन्य में गहरा उतर जाता है, किरण के सहारे चलते चलते जाओ, सूर्य तक पहुंचो, तह में घुसो,
धैर्य रखो। कितना समय लगा, कितने कितने भव लग गए, ज्ञान दे कोई बात नहीं, समय तो लगता है। एक टिकट देना, दो मिनट में जाए कहीं की, लेकिन पहुंचने में तो आखिर टाइम लगेगा, और उतने सारे स्टेशन आपको पार करने पड़े। ऐसा नहीं है कि जैसे टिकट एकदम आ गई, ऐसे बंबई भी एकदम आ गई, कलकत्ता भी एकदम आ जाएगा। कितनी फास्ट स्पीड से चलने वाली गाड़ी हो तो अभी सारे के सारे स्टेशन पार करेगी कि नहीं करेगी, वो इतनी जल्दी होती है कि पता नहीं पड़ता कब आएगा, लेकिन पार होते हैं सारे के सारे स्टेशन। ऐसी सारी सीढ़ियां आपको पार करनी हो। चक्रवर्ती भरत ने कपड़े उतारते केवल ज्ञान नहीं हो गया, कपड़े उतारने के बाद दीक्षा की विधि हुई है, दीक्षा की विधि के बाद अंतर्मुहूर्त में श्रेणी चढ़ी है। ऐसा नहीं है वो कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, सुत में भी हो जाए, ऐसा नहीं है। समझ गए, अनुकरण कहां से शुरुआत करनी है? हाँ, वहां से जहां हम खड़े हैं तहां भगवान खड़े थे, कैसे बे इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गए, और हम क्यों ऐसे पड़े रहे कि हमने अपने को आगे बढ़ा हुआ मान लिया लेकिन आगे बढ़े नहीं। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का मतलब है स्वरूप में रमना। अब स्वरूप की तो कुछ खबर ही नहीं, स्वरूप का तो कोई लक्ष्य ही नहीं, प्रसंगानुसार सच्ची बातें नहीं, हर समय सच्चा चिंतन, प्रसंगानुसार सच्ची बातें नहीं, मतलब यहां बैठे हम सच्ची बातें करें नहीं, हर समय सच्चा चिंतन करें, सच्ची प्रवृत्ति करें, तब काम बनेगा। समझ में आया ना, कार्य जो करेंगे क्रम से तो वो हो जाएगा, और अगर वो क्रम नहीं अपनाया और नहीं एक एक करके क्रम से नहीं व्यवस्थित बने तो पूरा जीवन चला जाएगा। इतना लक्ष्य बनाओ, छोटे 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 प्रोजेक्ट बनाओ, छोटे छोटे से बड़े बड़े चल जाएंगे आपके। भगवान बनना है हमें तो, अरे इंसान बन जाओ, शिष्य बन जाओ, अच्छी श्रोता बन जाओ, हैं? विचार तो करो, दासानुदास बन जाओ, तब दास बन पाओगे, तब फिर उदास बन पाओगे, तब भगवान बनने की बातें आएंगी। नहीं, सीधे भगवान बनना हमको तो भगवान तो हो ही, खत्म हो गई बात। जैसे तुम पूछो तैसे हम कहेंगे हैं भगवान बनना, तो भगवान तो हो ही, इसलिए कुछ करना है ही नहीं आराम से। अब कुछ करना है ही नहीं, और फिर हाँ क्या करना है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं करना है, फिर तो कर रहे हो, यही तो कह रहे हैं, यही तो खराबी, इसे वेद ज्ञान करो, इसे छोड़ो। विचार करो, हैं? पात्र हुए बिना, शिष्य हुए बिना गुरु कैसे बनेगा? सम्यक्ति हुए बिना संयमी कैसे बनेगा? संयमी हुए बिना भगवान कैसे बनेगा? सोचो, यानी कैसी हमारी प्रवृत्ति हो गई, कहीं निश्चय पकड़ लेंगे, कहीं व्यवहार पकड़ लेंगे, और न निश्चय का ठिकाना न व्यवहार का ठिकाना। अपन तो क्या है, बहुत बढ़िया बात, जैसे आगे की कोई पढ़ाई नहीं हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही बात है, इतनी पढ़ाई पर्याप्त है, मैं तो क्या हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो अब क्या करें? फिर वही बात आ गई, अब क्या करें, तो हम क्या बताए, क्या करें, लगा धुन के भूख लगी, ज्ञान की भावना भाव, कृपा से भूख मिट जाए। अब उल्टी बातें क्यों कर रहे, भूख नहीं मिटी तो ज्ञायक की आराधना से भूख मिटी तो है, अनंत भगवंतों की भूख मिटी है, ज्ञायक की आराधना से अनंत भगवंतों की भूख मिटी है, तुम्हारी भी मिटाई। ऐसा अपनी भूमिका नीची है, तो भूमिका नीची है तो अब क्या करें, तो फिर सबका चार पड़ो ना, क्या करिए, क्या करें, अब तबियत खराब है, तबियत खराब तो अब क्या करें, कि ज्ञायक भाव की भावना भाव, भाव भी आए भाव की भावना, झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है कि साहब उपयोग नहीं लगता, हाँ तो अब कैसे होगी, तब तो तुम कहते थे उपयोग हमारा इतना निर्मल हो गया, तब तुम सुनते नहीं थे, अब कहते हो उपयोग नहीं लगता। भगवान पहले ही कह रहे गर्धर आदि से तेरा ज्यादा निर्मल उपयोग नहीं है। जब हम कहते थे बच्चों में संस्कार डालो, तब तो सुनी नहीं, और अब कहते बच्चे सुनते नहीं,
नहीं सुनते, ये संस्कार न डालने का ही फल है। नहीं, उपयोग नहीं लगता है, ये इसी का फल है। हमारी उल्टी उल्टी जगह उपयोग लगा है, उल्टी जगह उपयोग लगा है। पहले सम्यक्ति हो, द्रव्यान योग के अनुसार धन करके सम्यक्ति हो, फिर चरणान योग के अनुसार वृत्ति हो। मनमानी प्रवृत्ति नहीं, मनमानी वृक्ष, मनमानी नहीं, जिनवाणी है हमारी माँ थे, जिनवाणी है हमारी माँ। विचारना अनुकरण है या अनुकरण अनुसरण, क्या जैसे उन्होंने अपनी आत्मा की शरण, उनको स्वामी ने बोलो इसी भाषा में उपदेश दिया कि नहीं, दुख से छूटने के लिए जैसी मेरी आत्मा ने श्रामण को अंगीकार किया है, जैसे नहीं कपड़े उतार जैसे मुनि हो गए ऐसा, हाँ जिस प्रकार से मेरी आत्मा ने श्रामण को अंगीकार किया है, आगम के अभ्यास से देहादिक को भिन्न जाना है, तत्वों का निश्चय किया है, अपना उपयोग एकाग्र हुआ है, परिग्रह का त्याग किया है, गुरु के पास जाकर के निवेदन किया है, माने सारी विधि लिखी है, वैसे ही नहीं लिखा। जिस प्रकार मेरी आत्मा ने श्रामण को अंगीकार किया है, उस प्रकार से श्रामण को अंगीकार करो। जिस प्रकार मेरी आत्मा ने श्रमण होकर के फिर आत्म ध्यान लगाया है, वैसे ही तुम आत्म ध्यान लगाओ, आत्म ध्यान में थे क्या करो। तो एक बात हमेशा कहते भैया, सुख अनंत चाहिए तो समता भी अनंत से आई। तुम सोचो सुख अनंत चाहिए और समता हम में है नहीं, वो क्या करें, समता नहीं रह पाती, नहीं रह पाती तो दुख भी होगा। विचारना।